बोर्ड दिख रहा है क्या पूरा? यस सर। यस सर। ओके थैंक यू। So, good morning and welcome to this mechatronics online lecture. In the last lecture, we started with logic gates, and there we have seen the different types of logic gates. Then, what are their symbols? What is the Boolean expression? Then, what is the timing diagram, truth table, etc., etc. Now you must have wonder what is the practical applications of these logic gates. जैसे मैंने बताया कि कोई भी डिजिटल सर्किट है, डिजिटल लॉजिकल सर्किट मीन्स एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज इन्वॉल्व इन सम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, तो जहां पे भी लॉजिकल ऑपरेशन की जरूरत है वहां पे ये जो लॉजिक गेट्स है इनका काम पड़ता है. तो हम आज थोड़ा सा उसका जो एग्जाम्पल है या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो देखने वाले हैं. लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमको एक एक्सप्रेशन दिया है, ये ऐसा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसका लॉजिक गेट यूज करके उसका सर्किट कैसा बनाया जाता है वो हम आज देखने वाले हैं. तो सबसे पहले एक एक्सप्रेशन दिया है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी. So in this expression, y is our output, okay? And in the expression, how many variables are there? उसमें कितने variables हैं? Three variables हैं, right? A, B and C, three variables हैं. और इसमें कितने operations involved हैं? कितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस? टू. दो ऑपरेशंस इन्वॉल्व है, एक एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन. ओके, अब इसमें सबसे पहले तो हम ये एडिशन देखते हैं. सो दिस इज एडिशन विच इज टेकन बिटवीन ए एंड बी सी. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडिशन के लिए जो और गेट रहता है, एडिशन बोला तो और गेट, और मल्टीप्लीकेशन बोला तो एंड गेट. तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक और गेट बनाते हैं. ये इसका आउटपुट है y. अब ये इसमें a का एडिशन हो रहा है सबसे पहले, तो दिस इज a टर्मिनल. ठीक है, सबसे पहले ये a जो है इसका एडिशन है. ये इसका एडिशन किसके साथ हो रहा है? b एंड c के साथ. B एंड C में जो है मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन बोला तो वहां पे एक एंड गेट आएगा. ये ऐसा सेमी सर्कल जो है वो एंड गेट का सिंबल है. इसमें कौन से इनपुट वेरिएबल्स है एंड गेट में? एक है B और दूसरा है C. B और C में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और इसका जो आउटपुट है जो कि हमको b इंटू सी मिल रहा है, ये आउटपुट जो जा रहा है वो किस में जा रहा है? एंड गेट में जा रहा है. तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? a प्लस बी सी. तो दिस इज द लॉजिकल सर्किट डायग्राम फॉर दिस एक्सप्रेशन. सिमिलरली can draw the logical diagram for this expression as well. अब इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? दो. कितने मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व है, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन? टू टाइप्स.
two types hai, one is addition and another one is multiplication. That means we require OR gate and AND gates, right? अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीन वेरिएबल्स है यहाँ पे, तो सबसे पहले तीन टर्मिनल बना देते हैं ए बी सी. तो दिस इज ए बी एंड सी, ये तीन टर्मिनल्स बना दिए और फिर इसमें से हम इनपुट कनेक्शन जोड़ते जाएंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये OR गेट है, ये OR गेट में ये OR गेट है, ठीक है. इसमें पहला इनपुट जो है वो ए बी है, इसका मतलब यहाँ पे एक हमको AND गेट लगाना पड़ेगा, बराबर. ये AND गेट में जो इनपुट आ रहा है वो कौन से, ए एंड बी है. तो ये हो गया, ए से कनेक्शन दिया और दूसरा कनेक्शन बी से दिया. तो यहाँ पे ऐसा छोटा सा ये दिखाना कि वहां पे लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, वो अलग अलग लाइंस है. तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए इंटू बी मिलेगा. अच्छा, ये एडिशन का जो दूसरा साइड है वो क्या है, बी सी है. बी सी है तो यहाँ पे भी एक एंड गेट लगेगा. ये एंड गेट में इनपुट क्या है, बी एंड सी. तो ये जो बी वाली लाइन है ये यहाँ पे आई और सी वाली लाइन, ये सी वाली लाइन आ गई. तो यहाँ पे आउटपुट आपको मिला बी सी. अब ये दो, इसका जो आउटपुट है ये OR गेट का, इसके बाद और एक एडिशन है, बराबर. तो यहाँ पे हम और एक OR गेट लगाएंगे, यानी इसका जो आउटपुट मिला ये वाले OR गेट का आउटपुट क्या मिला, ये वाले OR गेट का आउटपुट AB प्लस BC, AB प्लस BC मिला, AB प्लस BC. अब इसमें हमको और क्या ऐड करना है, और A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट ऐड करना है. तो इसलिए हमने और एक OR गेट लिया, और ये OR गेट में जो दूसरा टर्मिनल रहेगा वहां पे और एक AND गेट लगाना पड़ेगा. ये और एक AND गेट लगा दिया. अब ये AND गेट में जो इनपुट वेरिएबल्स है वो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट है. तो A कॉम्प्लीमेंट मीन्स A नॉट, तो A को हमको नॉट गेट लगाना पड़ेगा. A को क्या करना पड़ेगा, हमको इन्वर्स करना पड़ेगा, यानी A की वैल्यू अगर जीरो है तो वन लेना है और वन है तो जीरो लेना है. तो इनपुट क्या है, रिवर्स करना है, इन्वर्स करना है. इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो A का इनपुट ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे नॉट गेट लगाएंगे. ये है नॉट गेट का सिंबल, यानी यहाँ पे ये A क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया. सिमिलरली B का भी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे भी एक नॉट गेट लगा दिया. यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिलेगा, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट. और यहाँ ये जो OR गेट है यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा Y, वहां पे क्या मिलेगा, AB प्लस BC प्लस A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन है इसको सर्किट में रियलाइज करना, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ सर्किट. ओके, और रियलाइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन लॉजिकल सर्किट. तो ये आपको समझ में आया क्या, इसमें कोई डाउट है किसी को? सर अगर NAND गेट यूज किया तो, NAND गेट यूज किया तो,
और ए और बी इनपुट दिया एंड वो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की जगह नैंड गेट यूज किया तो उसका रिवर्स ही हो जाएगा तो थर्ड वाले में लास्ट में नीचे में नहीं अगर यहाँ पे नैंड गेट यूज किया तो नैंड गेट का सिंबल क्या रहता है ऐसा तो ये जो है ए और बी दिया बी और इसमें आउटपुट क्या मिलेगा ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट तो दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट ओके सर तो दिस इज डिफरेंट दिस इज ए इंटू बी का जो आंसर आएगा उसका इनवर्स यहाँ पे ए बी के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं ए जीरो हो सकता है बी जीरो हो सकता है ए वन हो सकता है बी जीरो हो सकता है या ए जीरो हो सकता है बी वन हो सकता है या ए वन या बी वन ये कॉम्बिनेशन है अब मुझे बताओ इसमें ए बी किया हमने ए बी किया तो इसमें क्या आंसर आएगा जीरो इंटू जीरो 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 वन इंटू जीरो 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 इंटू वन जीरो जीरो एंड वन इंटू वन 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 राइट सो दिस इज ए बी और इसका ए बी कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या आएगा जीरो का क्या आएगा वन आएगा वन ये जीरो का वन आएगा ये जीरो का वन आएगा और ये वन का जीरो आएगा ओके बराबर यस सर अभी हम क्या करते हैं ये वाला निकालते हैं ए बी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लीकेशन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन 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 अब मुझे बताओ ए कॉम्प्लीमेंट बोला तो वन वन का जीरो जीरो का वन एंड वन का जीरो एंड बी कॉम्प्लीमेंट बोला तो जीरो का वन जीरो का वन वन का जीरो अभी ए इंटू बी करो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट वन वन जीरो इंटू वन जीरो वन इंटू जीरो 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 इंटू जीरो जीरो अब ये जो है और ये सेम है क्या नहीं ये अलग है तो इसलिए यहाँ पे नैंड गेट नहीं यूज कर सकते Yes, ये अलग है ये अलग है ठीक है अब इसका यूज कहाँ पे है ये जो लॉजिकल सर्किट्स है इसका यूज कहाँ पे तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जो टी वेंडिंग टी कॉफी वेंडिंग मशीन रहती है तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं कि ये टी कॉफी वेंडिंग मशीन है आपने टी कॉफी वेंडिंग मशीन कभी यूज किया है ओके उसमें क्या रहता है जैसा हमने टी का बटन दबाया हमको चाय चाहिए तो चाय का बटन दबाया और जो भी कॉइन इंसर्ट करना है वो इंसर्ट किया तो आपको यहाँ पे चाय मिलेगी कॉफी का बटन दबाया तो आपको कॉफी मिलेगी और मिल्क का बटन दबाया तो आपको मिल्क मिलेगा ठीक है तो ये जो है इसको हम ये तीन वेरिएबल्स लेते हैं तो इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं टी कॉफी
मिल, और यहां पे आपको आउटपुट मिलेगा। तो अभी मुझे बताओ, टी जीरो कॉफी जीरो मिल्क जीरो, टी जीरो बोला तो टी का भी बटन नहीं प्रेस किया है, कॉफी का भी प्रेस नहीं किया है, मिल्क का भी प्रेस नहीं किया है, तो उस केस में आउटपुट क्या मिलेगा? जीरो जीरो मिलेगा, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई जो टैप से वो टैप में से किसी से कुछ भी नहीं आएगा। अभी सपोज तुमने टी चाहिए, टी वाला बटन प्रेस किया, तो कॉफी का जीरो है, मिल्क का जीरो है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? वन आउटपुट में टी मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टी। सिमिलरली अगर आपने कॉफी का टेस्ट किया तो आपको आउटपुट मिलेगा, उसमें आपको कॉफी मिलेगी। अगर आपने मिल्क का प्रेस किया तो आपको मिल्क मिलेगा आउटपुट में। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा बदमाशी किए और हमने दो बटन एक साथ दबा दिए, ओके, कोई कोई रहता है कि टी चाहिए कॉफी चाहिए पता नहीं, दोनों बटन प्रेस कर दिया, तो ऐसे केस में भी सर्किट में लॉजिक डेवलप करते समय प्रोग्रामर अपना जो है ये करता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि अगर दो बटन प्रेस हुई तो उस केस में क्या करना, तो अगर किसी ने बदमाशी किया टी और कॉफी दोनों का प्रेस किया, तो उस केस में अगर प्रोग्रामर ने डिसाइड किया अगर ऐसे सिचुएशन में मैं सिर्फ टी दूंगा, तो उस केस में आपको टी मिल जाएगा, या टी और मिल्क प्रेस किया तो भी टी मिलेगा, और कॉफी और मिल्क प्रेस किया तो कॉफी मिलेगी, तो इस तरह से। और टी कॉफी मिल्क तीनों प्रेस किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा लॉजिक जो डेवलपर है वो कर सकता है। तो ये जो है दिस इज नथिंग बट आउटपुट में क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर हमने पहले ये किए तो इसमें ABC प्लस दूसरा क्या है, ये पहला रो हो गया, दूसरा रो क्या है, ए सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इसमें वेरिएबल टी एम की है ना, तो टी कॉम्प्लीमेंट एम कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरा जो एक्सप्रेशन क्या है, टी सी कॉम्प्लीमेंट एम कॉम्प्लीमेंट प्लस थर्ड रो क्या है, टी सी कॉम्प्लीमेंट सी एम कॉम्प्लीमेंट प्लस चौथा क्या है, टी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट एम प्लस पांचवा है टी सी एम कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से इसका जो है आउटपुट ये डिसाइड होता है। ये जो वेंडिंग मशीन का जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है कि अगर थ्री वेरिएबल्स है तो उसमें आउटपुट आपको किस तरह से मिलेगा। अभी कभी कभी कहते हैं कि ये लॉन्ग एक्सप्रेशन है, अब ये जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, आपने मैथमेटिक्स में भी देखा होगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, ए प्लस ए इंटू बी इंटू सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब इंटू बी क्यूब प्लस ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर, ऐसा लॉन्ग एक्सप्रेशन है, और आपको क्वेश्चन आया है सिंप्लीफाइड, तो उसको वो एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ ऑल्जेब्रिक रूल्स आपको यूज करने होते हैं, ऑल्जेब्रिक रूल्स। वो ऑल्जेब्रिक रूल्स कौन से हैं? क्यूमुलेटिव लॉ, क्यूमुलेटिव लॉ यानी
मैथमेटिक्स में ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू सी होता है, ओके, मैथमेटिक्स में ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू सी होता है, तो दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव लॉ. मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द टू मैट्रिक्स, तो ए इंटू बी, तो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स. बराबर, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू सी. सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ यानी एक ए प्लस बी प्लस सी है, सो दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी प्लस सी. मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता. मैट्रिक्स के अगर आपने रूल्स देखे तो मैट्रिक्स में ऐसा आप नहीं कर सकते. मैट्रिक्स में अगर सपोज दिया है ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स प्लस डी मैट्रिक्स, इसमें आपने क्या किया कि बी और सी का पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया, और फिर इसका जो आंसर आया उसका मल्टीप्लिकेशन डी के साथ किया, तो आपका जो आंसर आएगा वो रॉन्ग रहेगा. आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक डायरेक्शन में करना है. अगर आपने यहां से किया तो ये इस डायरेक्शन में करना है, अगर यहां से स्टार्ट किया तो इस डायरेक्शन में करना है. यानी पहले ये दो का आंसर लिया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इनका आंसर जो है वो एक के साथ मल्टीप्लाई किया. या अगर आप यहाँ से मल्टीप्लिकेशन चालू कर रहे हैं तो पहले ये दो का मल्टीप्लिकेशन करके एक मैट्रिक्स आएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, सॉरी एडिशन, एडिशन ये दो का एडिशन करके एक आंसर आएगा, फिर उसको इसके साथ ऐड किया, फिर ये दो का एडिशन इसके साथ आएगा. तो ऐसा आपको एक एक लाइन में जाना होता है, एक डायरेक्शन में जाना होता है. लेकिन एसोसिएटिव लॉ में ऐसा चलता है, सो ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी ऐसा भी किया तो चलता है. सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ए बी प्लस सी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाता है, ए बी प्लस ए सी. बराबर है. तो ये ऐसे और भी कुछ लॉज है, वो लॉज यूज करके आपको लॉन्ग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करना होता है. वैसा ही अगर ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक बुलियन एक्सप्रेशन है, ये बुलियन एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्रेशन को छोटा करना होता है, ताकि ये लॉन्ग एक्सप्रेशन भी वही आउटपुट दे, और इसको सिंप्लीफाई करके छोटा अगर आपने एक्सप्रेशन बनाया तो वो भी वही आउटपुट दे. ये समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर. समझ में आ रहा है. जैसा कि इसका एक एग्जांपल देता बोले कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो साइज है वो क्या हो रही है, छोटी होते जा रही है. तो जितना छोटा सर्किट रहेगा और जितना इफेक्टिव सर्किट रहेगा उतना वो अच्छा माना जाता है. तो अगर सर्किट की साइज कम करना है तो हमको ऐसे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा. यानी 50 लॉजिक गेट्स की जगह अगर हम सेम आउटपुट अगर 5 लॉजिक गेट्स से अगर ऑप्टेन कर पाते हैं तो उससे कैसा है कि स्पेस कम लगेगा और आउटपुट वही मिलेगा जो 50 गेट्स यूज करने के बाद भी वही आउटपुट मिलता था. लेकिन उसको हमने इस तरह से डिजाइन किया कि 5 गेट्स भी वही आउटपुट दे रहा है, तो जो 5 गेट्स सेम आउटपुट दे रहा है वो डिजिटल सर्किट अच्छा है, या फिर 50 गेट्स जो आउटपुट दे रहा है वो अच्छा है? 5 वाला अच्छा है. उससे क्या हो रहा है कि हमारी स्पेस भी कम लग रही है,
उसके बाद जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वो भी कम लग रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो कम हीट हो रहा है, तो इससे इसके बेनिफिट ज्यादा है। इसका एक और एक एग्जांपल देता बोले तो, अगर आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रैक्टिकल में अगर आपको एक सीरीज ऑफ नंबर्स दिया है, और सीरीज ऑफ नंबर्स में से प्राइम नंबर्स जो है आपको फाइंड आउट करना है, उसका सी प्रोग्राम लिखना है। अब पांच अलग अलग स्टूडेंट्स है, पांच अलग अलग स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम बनाया, सबका आउटपुट करेक्ट है, सब प्रोग्राम जो है वो सीरीज ऑफ नंबर्स में से प्राइम नंबर जो है वो आइडेंटिफाई करके आउटपुट में बता रहा है कि दीज आर द प्राइम नंबर्स। लेकिन पांचों स्टूडेंट्स का जो प्रोग्राम का लेंथ है वो अलग अलग है। एक ने 100 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, एक ने 70 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, एक ने 120 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, और एक ने 25 लाइन का प्रोग्राम लिखा है। अब इसमें से अच्छा प्रोग्राम कौन सा माना जाएगा, 120 लाइन वाला या 25 लाइन वाला? 25 लाइंस, 25 लाइंस वाला, करेक्ट। क्यों 25 लाइंस वाला अच्छा है और 120 लाइंस वाला अच्छा नहीं है? सर क्योंकि उसमें मिनिमम ये है ना लाइंस है, मिनिमम एफर्ट लगेंगे, मिनिमम लाइंस मतलब मिनिमम कमांड यूज किए, मिनिमम कमांड यूज किए, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेमोरी डिफिशिएंसी बढ़ रही है। हाँ मेमोरी भी होगी होगा कम, हाँ सर एरर कम हो रहा है, एरर कम हो रहा है, एरर कम नहीं हो रहा है, लेकिन एरर आइडेंटिफाई करना जल्दी हो रहा है, छोटा प्रॉब्लम है तो एरर आइडेंटिफाई करना इजी हो रहा है। हाँ ओके, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि वो प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटेशनल टाइम है वो कम लग रहा है ना, वो छोटे से प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए लगने वाली मेमोरी जो है वो कम लग रही है, उसमें इन्वॉल्व होने वाले मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी जो है वो कम लग रहे हैं, तो कंप्यूटेशनल टाइम वाइज प्रोसेसिंग टाइम वाइज 25 लाइंस का प्रोग्राम जो है वो अच्छा माना जाएगा एज कम्पेयर टू 120 लाइंस का। 120 लाइंस भी सेम आउटपुट दे रहा है लेकिन उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन ज्यादा है तो कंप्यूटेशनल टाइम ज्यादा लग रहा है, प्रोग्राम की लेंथ ज्यादा होने की वजह से मेमोरी एलोकेशन जो है मेमोरी का स्पेस भी बहुत ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए जो छोटा प्रोग्राम है उसको अच्छा माना जाता है। उसी तरह से अगर एक लॉन्ग एक्सप्रेशन का अगर आपने सर्किट बनाया, गेट्स का, लॉजिक गेट्स का सर्किट बनाया, और एक दूसरे प्रोग्रामर ने बोलो या दूसरे डेवलपर में कम गेट्स यूज करके सेम आउटपुट दे रहा है, तो जो कम गेट्स यूज करके जो सेम आउटपुट दे रहा है वो वाला जो सर्किट रहेगा वो ज्यादा इफिशियंट हम बोल सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो लॉन्ग जो एक्सप्रेशन रहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, इसको हम बुलियन अलजेब्रा यूज करके हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं, बुलियन अलजेब्रा यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम आज देखने वाले हैं कि ये बुलियन अलजेब्रा क्या रहता है। तो बुलियन अलजेब्रा बोला तो सबसे पहले बोला तो बुलियन यानी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बुलियन, आपको किसी को पता होगा? बुलियन साइंटिस्ट का नाम है जिसने इन्वेंट किया था लॉस, नेम ऑफ अ पर्सन। ओके बट व्हाट द बुलियन सर वन और जीरोस के फॉर्म में रहता है।
एक्सक्यूज मी सर, सबका माइक बंद है। ओके, सो बुलियन एक्सप्रेशंस, हेलो एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। ओके, यस सर। या थैंक यू। सो बुलियन एक्सप्रेशंस में जो बुलियन है, बुलियन का ये मीनिंग है कि वो एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स है, सारे वेरिएबल्स के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो दो ही है। यानी जैसे ये एक लॉन्ग एक्सप्रेशन मैंने लिखा, ए इंटू बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक लॉन्ग एक्सप्रेशन है, इसमें तीन वेरिएबल्स हैं ए बी एंड सी। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन कब होता है? जब ए के भी, ए के पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो है, यानी ए की आइदर आइदर वैल्यू ऑफ ए कैन बी जीरो और वन, आइदर वैल्यू ऑफ बी कैन बी जीरो और वन, आइदर सी सी की जो वैल्यू है एक तो जीरो रहेगी या वन रहेगी। तो तीन इनपुट्स है या दस इनपुट है, लेकिन दसों इनपुट की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो आइदर जीरो और वन है। तो इसलिए इसको बाइनरी एक्सप्रेशन या बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन मीन्स द एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स हैज गॉट ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, आइदर ट्रू फॉल्स और हाई लो और जीरो वन। ओके, तो ऐसे जो एक्सप्रेशन रहते हैं उसको बुलियन ऑपरेशन, सॉरी बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, क्लियर है? बुलियन, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है कि बुलियन एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल्स है वो हर वेरिएबल के पॉसिबल जो वैल्यूज है वो दो ही हो सकती है, एक तो जीरो या वन, या ट्रू और फॉल्स, हाई और लो, ओके, ऑन और ऑफ, ये ऐसे दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस को बुलियन ये बोलते हैं, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशंस। जैसे हमने टी कॉफी वेंडिंग मशीन का एग्जाम्पल देखा, Either the T button is pressed or it is not pressed. ये दो के अलावा तीसरा possibility नहीं रह सकता, है ना? तो जो T वाला input है वो boolean variable है। Coffee का भी वैसे ही, coffee की button एक तो press होगी या press नहीं होगी, इसके अलावा तीसरा combination हो ही नहीं सकता है। वैसे ही milk का, तो ये ऐसे variables जिसके possible combination जो है, जो इनपुट वैल्यूज है वेरिएबल्स की, वो सिर्फ दो ही हो सकती है, ऐसे एक्सप्रेशन को बुलियन एक्सप्रेशन बोला जाता है। अब ये जो है ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है। अब इसको हम, इसको मुझे क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करके इसको, इसका एक्सप्रेशन छोटा करना है। मे बी यानी जैसा y इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी, तो मैंने सिंप्लीफाई किया और मुझे ये एक ऐसा छोटा एक्सप्रेशन मिला जो कि सेम आउटपुट दे रहा है और ये लॉन्ग एक्सप्रेशन भी सेम आउटपुट दे रहा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसा करना, तो वो सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ बुलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं, तो ये रूल्स हम देख लेते हैं। ये बुलियन अलजेब्रा के जो रूल्स है ये आपके मैथमेटिकल अलजेब्रा के रूल्स से अलग है, यानी कुछ कुछ सेम है कुछ कुछ अलग है। तो वो हम ये बुलियन अलजेब्रा के रूल्स जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये बुलियन अलजेब्रा के रूल्स जो है वो ये ऐसे एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करने के काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी है, तो ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ओके, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये एग्जैक्टली हमारा जैसा मैथमेटिकल लॉ है उसी के जैसा है, बराबर है। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने देखा था मैथमेटिक्स में, वैसा ही जो है ये बूलियन अलजेब्रा का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। उसके बाद दूसरा जो है
ए इंटू ए इज इक्वल टू ए, ओके ए इंटू ए इज इक्वल टू ए, ये ध्यान में रखना। ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इज जीरो, ओके। अब ये कैसे बुलियन एक्सप्रेशन है, आइदर वैल्यू ऑफ ए इज जीरो और वन। तो अगर ए जीरो है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन होगा, तो जीरो इंटू वन जीरो होगा। अगर ए का वैल्यू वन है तो ए कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा। तो ए की कोई भी वैल्यू रहे, आइदर जीरो रहे या वन रहे, दोनों केस में आउटपुट क्या मिलता है, जीरो मिलता है। इसलिए ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या रहता है, जीरो रहता है। उसके बाद ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, ए प्लस वन एनीथिंग विच इज एडेड टू वन विल गिव द आउटपुट एज वन। सो ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, ए प्लस के इज इक्वल टू ए, ये भी एक बुलियन अलजेब्रा का रूल है, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज वन। अब यहाँ पे भी ए का वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बोला तो वन, तो इसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। अगर ए का वैल्यू वन है तो वन प्लस जीरो आंसर वन है। तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए डबल कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर जो है वो ए रहता है। ए का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इटसेल्फ, क्योंकि ए का वैल्यू आइदर कैन बी जीरो और वन। अगर ए जीरो रहा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, वन हो गया, और उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो हो गया। इसका मतलब ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, या ए का वैल्यू अगर वन है तो वन का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जीरो और उसका फिर और एक कॉम्प्लीमेंट वन। तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए, ये लॉ है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है, ए प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू ए, ए प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू ए। इसका अगर प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कर सकते हैं। ए प्लस ए बी ये अपने इनपुट है और आउटपुट में क्या देंगे हमको, ए इंटू बी पहले निकालते हैं फिर ए प्लस ए इंटू बी निकालते हैं। जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन वन वन, तो ए इंटू बी जीरो 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 वन, एंड जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस जीरो जीरो, एंड वन प्लस वन वन। तो यहां पे देखो ए प्लस ए इंटू बी इज ए, यानी इसका जो आंसर है और ये सेम है। तो हम यहां पे चेक करते हैं, ये हमारा है ए और ये हमारा है ए प्लस ए इंटू बी, तो ये दोनों जो है सेम है, जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन। तो इसलिए ये ध्यान में रखना, ए प्लस ए इंटू बी इज ए, एंड ए इंटू वन इज ए। तो ये कुछ बुलियन अलजेब्रा के रूल्स है जो कि आपको याद रखने हैं, ओके, आपको याद रहने चाहिए। तो इसका जो यूज है वो बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में होता है। तो हम एक बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। इसमें डाउट है किसी को अलजेब्रिक रूल्स में, बुलियन अलजेब्रा के रूल्स में?
ये एक एक्सप्रेशन दिया है, ओके, ए प्लस सी इंटू ए प्लस डी इंटू बी प्लस सी इंटू बी प्लस डी। अब इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स चार हैं, ए बी सी डी, और इसका जो एक्सप्रेशन का लेंथ है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो बुलियन अलजेब्रा के रूल्स है, ये रूल्स को यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि ये जो जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन रहेगा वो भी सेम आउटपुट देगा और ये लॉन्ग एक्सप्रेशन भी वही आउटपुट दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो यूज करेंगे। सो दिस इनटू दिस, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए इंटू ए, ए इंटू बी, सी इंटू ए एंड सी इंटू डी। तो ये क्या होगा, ए ए प्लस ए डी प्लस ए सी प्लस सी डी, बराबर है। तो हमने इसको ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया। सिमिलरली यहां पे भी वैसे ही करेंगे, बी इंटू बी करेंगे, बी इंटू डी करेंगे, सी इंटू बी करेंगे, सी इंटू डी करेंगे। तो बी इंटू बी प्लस बी इंटू डी प्लस सी इंटू बी प्लस सी इंटू डी, ओके। अब हमको पता है कि ए इंटू ए, ए इंटू ए क्या है, ए इंटू ए इज ए। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे प्लस ए डी प्लस ए सी प्लस सी डी। सिमिलरली b इंटू बी, सो b इंटू बी इज b ओनली, b प्लस बी डी प्लस सी डी प्लस सी डी। अब इसमें से क्या करेंगे, हम a को कॉमन लेंगे, इसमें इसमें और इसमें, a को कॉमन दिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, वन प्लस सी प्लस डी प्लस सी डी। यहां से भी बी कॉमन दिया, वन प्लस सी प्लस डी प्लस सी। अब यहां पे ये वाला रूल देखो, ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, a प्लस वन इज इक्वल टू वन। अब यहां पे ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन है, सो कंसीडर दिस एज वन वेरिएबल p। सो वन प्लस p, वन प्लस p इज नथिंग बट वन है। तो यहां पे ये आंसर क्या आएगा, a इंटू ये पूरे, इसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा प्लस cd। सिमिलरली बी, ये क्या है, वन प्लस, ये पूरा एक वेरिएबल अपन ने कंसीडर किया,
with u. So 1 plus q, the answer is 1. So 1 into b, so 1 into b plus cv. अब यहाँ पे a plus cd और यहाँ मिला b plus cd. तो यहाँ पे हम फिर से ab plus acd plus BCD plus A into A. So A into A is A. So CD into CD is CD. Okay, या फिर हमने इसको और ये भी नहीं किया, तो भी इसको भी नहीं किया, तो भी ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से छोटा है. ये जो एक्सप्रेशन है इससे ये एक्सप्रेशन छोटा है. दैट मींस वी हैव सिंप्लीफाइड, वी हैव रिड्यूस्ड द साइज ऑफ द एक्सप्रेशन बाय अप्लाइंग द बुलियन अलजेब्रा. तो ऐसे बुलियन अलजेब्रा के रूल्स यूज करके आप जो बड़े बड़े एक्सप्रेशन है बुलियन एक्सप्रेशन उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एक्चुअली ये जो बुलियन अलजेब्रा के रूल्स है, ये बुलियन अलजेब्रा के रूल्स यूज करके हम एक्सप्रेशन की साइज को कम कर सकते हैं. या एक ग्राफिकल मेथड भी है जिसको बोलते हैं कि कारनॉफ मैप. सो कारनॉफ मैप जो है ये ग्राफिकल मेथड है जिसमें कि आप लॉन्ग एक्सप्रेशंस को जो है वो सिंप्लीफाई करके छोटे एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो ये जो प्रोसीजर है बुलियन अलजेब्रा रूल्स यूज करके, ये एनालिटिकल प्रोसेस है बुलियन एक्सप्रेशन की साइज कम करने का. कारनॉफ मैप जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है जिससे कि हम लॉन्ग बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके शॉर्ट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं. Which will give the same output. So, what is this Karnoff map? We will take few more examples of Boolean algebra in the next lecture. Okay. So, thank you very much for attending this class. आपको किसी को कोई doubt है? Doubt होगा तो आप. No sir. No sir. Okay. Okay. हमें इस अटेंडेंस ले लेना बेटा. यस सर, ले ली. हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट्स. ओके ओके. सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. यस, थैंक यू सर. वो आपके पीछे का थोड़ा सा देखना. सर इसे आगे और सॉल्व कर सकते हैं क्या सर? हाँ, इसको और सॉल्व कर सकते हैं और ये रूल्स अप्लाई करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं. और ये सॉल्व होता है एंडिंग में सर, AB plus CD आता है क्योंकि. हाँ, इसको और सॉल्व कर सकते हैं इसमें और बुलियन अलजेब्रा के रूल्स लगा के इसको और सॉल्व कर सकते हैं. ओके सर. इसको और सॉल्व कर सकते हैं. तो आप ट्राई कर सकते हो बुलियन अलजेब्रा के रूल्स को यूज करके इसको और सॉल्व कर सकते हैं.
ओके बोर्ड का काम हो गया। बोर्ड का काम हो गया क्या? चलो आई लीव द मीटिंग, मेरा और एक लेक्चर है।